नियमों को ताक में रखकर निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें अवैध निर्माण को दांडिक शुल्क और अतिरिक्त अधिभार सहित संपत्ति कर जमा कर वैध घोषित किया जा सकता है। अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर 48 लोगों ने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है। अनाधिकृत विकास का अब नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो, बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए निगम के भवन अनुज्ञा शाखा में आवेदन करना होगा। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने आर्किटेक्ट को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिलाया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल ने इसका अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी तारतम्य में वस्तुविद को प्रशिक्षित किया गया है। अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए आवेदक को नक्शा आदि बनाकर आवेदन निगम मुख्य कार्यालय में जमा कराना होगा। आवेदन करने के पश्चात जिला नियमितीकरण समिति के अनुमोदन होने उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा डिमांड जारी किया जाएगा और नियमितीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। वर्ष 2016 के नियमितीकरण के दौरान भिलाई निगम में लगभग 3000 आवेदन प्राप्त हुए थे और इस समय 5000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2022 से यह प्रवृत्त है। इस दिनांक से एक वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के प्रारूप एक में चेकलिस्ट के अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न करके आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात संबंधित अधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच भी की जाएगी। देखिए, शासन की ये भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें माननीय महापौर जी ने अधिक से अधिक लोगों को इसको लाभ दिलाने के लिए उन्होंने कहा भी है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इसके बाबत में जो आर्किटेक्ट है उनको प्रशिक्षित किया गया है कि किस प्रकार से हम नियमितीकरण के जो लोग हैं उनका वो जो निडी होंगे उनके जो आवेदन है उसको पुटअप कर सकते हैं निगम में। ये नियमितीकरण का जो प्रोसीजर वर्ष 2016 में आया था, उसके बाद से सेकेंडरी 2022 में आया है। 2016 में लगभग 3000 लोगों ने इसके लिए नियमितीकरण के लिए आवेदन लगाया था। नियमों की बात करें तो जो नियम विरुद्ध, मान लीजिए कि यदि किसी ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र लिया हो और उसके स्वरूप में उन्होंने परिवर्तन कर दिया हो मकान के, तो वैसे लोग नियमितीकरण के दायरे में आ सकते हैं। दूसरा, किसी ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र ही नहीं लिया होगा और उन्होंने निर्माण कर लिया होगा, वो नियमितीकरण करा सकते हैं। तो ऐसे जो आवासीय गैर आवासीय जो वो है निर्माण है उनको जो है, और अनाधिकृत विकास जो है उसके जो निर्माण है वो नियमितीकरण के दायरे में आते हैं। अभी जो जब से नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू हुई है लगभग महीने भर से, तो 48 आवेदन जो हैं इसके निगम में प्राप्त हो चुके हैं और संभावना ये है कि 5000 से अधिक लोग नियमितीकरण के दायरे में हो सकते हैं भिलाई में, और वो भी आवेदन कर सकते हैं। अभी निगम मुख्य कार्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा जो है वहाँ पे नियमितीकरण का आवेदन जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी जो नियमितीकरण के दायरे में आते हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो आवेदन वहाँ जमा कर सकते हैं। नियमितीकरण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरण जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में 6 माह का समय देते हुए 6 माह में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के पश्चात शर्त पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जा सकती है तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगने की पुष्टि के उपरांत रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जमा राशि वापस कर दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।